जय गुरु जी संगत जी, आज संडे है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है संडे का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज संडे वाले दिन गुरुजी मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये संडे का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगा के संडे के इस चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप दो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के संडे के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी, मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, संगत जी आजकल बड़ा बुरा हाल है,
किसी के पास फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे दे या कोई किसी की हेल्प कर दे या फिर कोई किसी की मदद कर दे। आजकल हर कोई परेशान बैठा अपने घर चल जाए लोगों के, वो बहुत बड़ी बात है, तो कोई किसी को क्या ही देगा संगत जी पैसे, आप मुझे बताओ। अपने खाने के लिए पैसे नहीं है लोगों के पास, है ना। और जिनके पास है, जो अमीर लोग हैं, जो अरबपति लोग हैं, वो किसी को 10 रुपए दे के खुश नहीं है, वो किसी की क्या मदद करेंगे। संगत जी मैं तो आज आप सबके सामने गुरु जी को यही कहता हूँ, ध्यान से सुनना, गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे गुरु जी, तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरु जी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत मुकेश अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं मुकेश अरोड़ा, गुरु जी की संगत, मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ। संगत जी मेरे घर में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी, जीने का मन बिल्कुल भी नहीं करता था, बिल्कुल परेशान हो चुका था, कुछ समझ भी नहीं आ रही थी क्या करूं, कहाँ जाऊं ये दुनिया छोड़कर। संगत जी अपने घर से परेशान, काम से परेशान, बच्चों से परेशान, हर चीज से परेशान था, और एक टाइम तो ऐसा भी आ गया था कि मैं अपने शरीर से परेशान था संगत जी। बीमारियों ने मुझे घेर लिया था, खतरनाक बीमारियों ने संगत जी, मतलब इतना संगत जी मेरा हालत इतनी खराब हो गई थी ना, कुछ मतलब किसी को बताने लायक भी नहीं, सबसे बड़ी बात। और अगर मैं किसी को बताऊं तो लोग हंसते थे, लोग मजाक उड़ाते थे कि ये देखो क्या हो गया इसको, तो मतलब बड़ा बुरा हाल था। गुरुजी की शरण में जब मैं आया था संगत जी, साल 2024 इसी साल में मैं गुरुजी के साथ में जुड़ा हूँ। सारी कृपा जो मेरे ऊपर गुरुजी ने करी है ना, इसी साल के अंदर करी है संगत जी। तो अब मैं गुरुजी का नाम लेकर अपना ये सत्संग स्टार्ट कर रहा हूँ। संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरे सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी। और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है, उसको भी आप जरूर दबा देना। संगत जी 2024 इसी साल फरवरी का महीना था, मेरा काम नहीं था, घर पे अलग परेशानी थी बच्चों की, कुछ मेरी आंटी मेरे साथ लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा करती थी। और संगत जी देखो, जहां इतना लड़ाई झगड़ा कलेश होता है वहां लक्ष्मी भी नहीं आती है, फिर लक्ष्मी जी भी नहीं आते संगत जी, वहां पे पैसा भी नहीं आता फिर घर पे, और टेंशन अलग थी, क्या होगा कैसे होगा, सारी चीजें कैसे होंगी, कैसे करूंगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, दुनिया भर की टेंशन थी संगत जी दिमाग में। अब आप देखो, इतनी चिंता जो बंदा करेगा, क्या उसका शरीर ठीक रहेगा, ठीक रहेगा उसका शरीर, आप मुझे बताओ संगत जी। शरीर तो आप बस एक छोटी सी ढील देके देखो, शरीर फिर ऐसी बीमारियां घेरती है ना, फिर ऐसा संगत जी खान पीना मेरा, मतलब जो खाना पीना था वो बदल गया, घर से बाहर रहना लग गया संगत जी, कभी ढाबे पे खा रहा हूँ, कभी कुछ खा रहा हूँ, कभी कुछ खा रहा हूँ। उस चक्कर में ना मेरा पेट संगत जी बहुत बढ़ गया था, पेट का साइज बहुत हो गया। सब लोग यही कहते थे कि तू तो बड़ा यार, तेरे पास तो बड़ा लगता है, पैसा आ रहा है,
तू तो बिल्कुल सेठ बन गया, तेरा तो देख इतना, तेरी सेहत देख अपनी। संगत जी मैं उनको क्या बताऊं, ये सेहत नहीं है, ये बीमारियों की जड़ है, ये बीमारियों की जड़ है। पेट से कोई सेहत थोड़ी होती है बंदे की, बीमारियां हैं वो तो संगत जी अंदर। अब हुआ क्या, मेरे पेट में हुई अचानक से बहुत दर्द, इतनी दर्द हुई संगत जी कि मेरे से वो दर्द सहा भी नहीं जा रहा था। मैं चला गया अपने घर के पास, यहीं दिल्ली में संगत जी गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना हुआ है, एक बड़ा नामी हॉस्पिटल है, हिंदू राव हॉस्पिटल, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है संगत जी। वहां पे ना इलाज वगैरह सब फ्री होता है। देखो पैसे थे नहीं मेरे पास, पैसे होते तो मैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता, वहां जाके अपना इलाज करवाता। पैसे पास में नहीं तो फिर बंदा कहां जाए, या तो मरे या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाए। तो गया संगत जी, वहां जाके डॉक्टर ने मेरे को सबसे पहले चेक किया, कहते आप अपना अल्ट्रासाउंड करवा के आओ इसी हॉस्पिटल में, मतलब कहीं बाहर नहीं जाना आपने, यहीं पे करवाना, फ्री होगा। मैंने करवाया संगत जी, पर्ची कटवाई पहले अल्ट्रासाउंड के लिए, उसके बाद मेरा हुआ अल्ट्रासाउंड। अंदर से जो पेट का होता है सारी चीजें देखते हैं ना डॉक्टर, अंदर क्या है, सब ठीक तो है, कोई बीमारी तो नहीं है, कुछ तो नहीं है, तो उसके लिए मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ। संगत जी अल्ट्रासाउंड में आ गया, मेरे पेट में रसोली है, यानी कि गांठ है, और एक नहीं कम से कम तीन गांठें बनी हुई हैं। अब वो पता नहीं, या तो वो कैंसर हो सकता है या वो सिर्फ गांठ ही है। संगत जी डॉक्टर ने मतलब मन में वहम डाल दिया मेरे कि भाई देखो सबसे पहले हम करेंगे उसका कैंसर का जो उसका टेस्ट करेंगे, ताकि पता चले कैंसर तो नहीं है, कहीं ये ना हो हम उसका ऑपरेशन कर दे और फिर दोबारा हो जाए। तो सबसे पहले तो यही है, आपको कैंसर का टेस्ट होगा, आप पहले वो टेस्ट करवाओ। उसमें ही 4-5 दिन लग गए संगत जी, उसकी रिपोर्ट आने में कम से कम 15-20 दिन लग गए मेरे को। मन में डर, अजीब सी घबराहट, घर में लड़ाइयां, झगड़े, कलेश, घर का सारा माहौल खराब। संगत जी रिपोर्ट आती है, उसमें आता है मुझे कैंसर नहीं है। अब डॉक्टर ने कहा फिर इसका ऑपरेशन तो इसका होना ही है, निकालना तो है ही है ना बाहर, अंदर थोड़ी छोड़ देना बीमारी। कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे आपका ऑपरेशन अभी हम नहीं करते, क्योंकि ये अभी ना आपको कुछ ज्यादा आपको दर्द होगा नहीं इसका, 1 महीना रुक जाओ, दवाइयां खाओ, हो सकता है ये छोटी हो जाए और फिर आपको ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े और आप वैसे ही ठीक हो जाओ, आपका वैसे ही काम मतलब चल सकता है काम आपका वैसे भी। मैंने कहा ठीक है भाई देख लेते हैं क्या है, 1 महीना दवाई खाने, वो भी संगत जी फ्री की दवाई है, मेरे कौन सा पैसे लगे थे, पैसे थे भी नहीं, लगे भी नहीं। आ गया घर पे अपना, मैं संगत जी घर का रोटी पानी खाता रहा और इस बीच ना मैं गुरु जी के साथ में जुड़ गया था। 1 महीने के दरमियान में ना, उस एक महीने के गैप के अंदर मैं गुरुजी के साथ में जुड़ गया संगत जी। और जुड़ा कैसे, घर की गली जहां हमारा घर है ना, उस गली में सत्संग हो रहा था, वो जानने वाले थे लोग, तो उन्होंने बुला लिया आना जरूर। मैं चला गया और बस गुरुजी का ही होके रह गया संगत जी, गुरुजी की संगति बन चुका था मैं। तो वहां पर जैसे ही मैं पहुंचा गुरुजी के सत्संग में, इतना अच्छा लगा मेरे को, इतना अच्छा लगा कि आज तक कभी मेरा मन नहीं करा कि मैं गुरुजी के सत्संग में ना जाऊं। मन करता है दिन में सत्संग हो तब जाऊंगा, रात में सत्संग हो तब जाऊंगा, इतना अच्छा लगता है मेरे को जाके गुरुजी के सत्संग में। ठीक है चलता रहा, महीना खत्म हुआ ना, मुझे ये था जहां तक मैंने अपने दोस्तों से, अपने मतलब रिश्तेदारों से पूछा था, सब लोग कहते थे कि दवाइयों से कुछ नहीं होता, ये रसोली वैसे खत्म ही नहीं होती, इसका ऑपरेशन होता तब खत्म होती है, तेरे को ऑपरेशन तो करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, मन में डर था यार ऑपरेशन होगा पेट का, पता नहीं क्या होता है, कैसे होता है, सब ठीक होगा नहीं होगा, एक डर तो देखो होता है संगत जी। डॉक्टर के पास गया हिंदू राव हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने चेक किया अल्ट्रासाउंड से, कहते आपकी रसोलियां तो बिल्कुल गायब हो गई है, आपको दर्द होता है? मैंने कहा नहीं होता दर्द। कहते कब से नहीं होता? मैंने कहा महीने से नहीं होता, मुझे 1 महीना हो गया दर्द नहीं होता। दवाई खाते हो? मैंने कहा हाँ खाता हूँ। कहते पेट में तो कुछ है ही नहीं आपके, क्या आपका ऑपरेशन करूं मैं, क्या निकालूं अंदर से बाहर?
सब ठीक है, जाओ अपना घर पे। संगत जी ये सारी कृपा मेरे गुरु जी की थी। जबकि मैंने सबसे बड़ी बात, आप ध्यान से सुनना, मैंने तो गुरु जी को बोला भी नहीं, गुरु जी मेरा मेरे को वैसे ठीक कर दो। कब बोला मैंने गुरु जी को? मैंने गुरु जी को नहीं बोला संगत जी, कभी मन में आया भी नहीं, ना बोला। गुरु जी बिना बोले कृपा करते हैं संगत पर। आपको गुरु जी को बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। वो अपने आप ही आपको इतना कुछ दे देंगे, इतना कुछ दे देंगे कि आप सोचते रह जाओगे, यार ये हुआ कैसे, ये सब कुछ कैसे हो गया। तो ये मेरा सत्संग था संगत जी आज का। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़ कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरुजी संगत जी।